अपनी गाड़ी और अभी चाहेंगे अपन कस्बा बावड़ा में, क्योंकि मेरे को देने का है ये वाला सामान कस्बा बावड़ा में और अपन रहते हैं राजारामपुरी में। तो अभी जाएंगे कस्बा बावड़ा। सपला जे आज हिंदी कर रहे हैं क्योंकि आज एक कारण है हिंदी में ब्लॉग करने का, स्टार्टर मारते हैं। अभी खड़े हम सिग्नल में, सिग्नल लगाए देखो कितना सिग्नल लगाया अभी 60 सेकंड। और इधर हम खड़े कोल्हापुर का मेन रोड स्टैंड से आ गया होगे, ये रोड आपको दिख रहा है। बोला मैं जहाँ में मस्ती में घूमू अगर मधुआ मैं हंसती रह तू, बोला मैं जहाँ मैं मस्ती में घूमू अगर मधुआ मैं हंसती रह तू। भाई 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 भाई, जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना मेरा भाई, इसलिए अभी गोप्रो की कमतरता मेरे को भास रही है अभी इधर, इसलिए अपन मोबाइल एक हाथ में धर कर एक हाथ से गाड़ी चला रही है। ये देखो इधर का मोकड़ा है पूरा सप्ला इसे अपना नाथ कर चाल तो नहीं रब्बा बा तीन तीन जा रही इधर रे। फिर से दोहराता है अपन, जिंदगी में कुछ पाना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, और समझ लो कि आपने ये मेहनत चालू है यूट्यूब के लिए, और एक दिन अपन गोप्रो जरूर लेंगे मेरा भाई, क्योंकि अपन अपने फ़ोन से शूट कर रहे हैं ना अपन, अभी एक हाथ में अपना एक हाथ से हम गाड़ी चला रहे, एक हाथ पूरा बोखा है और एक हाथ से ड्राइविंग और मोटो ब्लॉगिंग, और मोटो ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में अपन अभी घुस रहे हैं, हमारा इंटरफेयर अभी हो रहा है इसमें, तो पब्लिक को अपन एक बताना चाहते हैं कि अभी हम मोटो ब्लॉगर बन चुके हैं, नहीं बन चुके हैं। एक मिनट ये पास करने दो, ये कहाँ से चला रहा हो तो पूरा प्रॉब्लम हो रहा जी। बाबा अभी खाली है, अभी पूरा खाली है। तो मैं क्या बोल रहा था कि मोटो ब्लॉगिंग के करियर मुझे में अपन है, मेरे को मोटो ब्लॉगिंग में ही करियर करना था, और मोटो ब्लॉगर अपन है। हाँ अब मोटो ब्लॉगर अपन है, लेकिन अभी हम मोटो ब्लॉगिंग शुरू मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ मोटो ब्लॉगिंग अपन अभी स्टार्ट किए ले, मतलब वीडियो करने को स्टार्ट किए ले मोटो ब्लॉगिंग का। तो हम गाड़ी चलाते हैं तब तक आप इंजॉयमेंट कीजिए, तब पहुँचते अपन बावड़ा में डायरेक्ट, अब डायरेक्ट जाएंगे बावड़ा में। बाय बाय मित्रांनो, खरं सांगतो लाईक नाही आहे माझी, खरं सांगतो लाईक नाही आपली मोटो ब्लॉगिंग करण्याची, मला ही सीट उघडायची होती आणि मगापासून मी ट्राय करतोय हे ना असं फिरवतोय, ही गाडी लॉक व्हायला लागली, मला ते समजेना झालं म्हणून बोलतो खरंच लाईक नाही आहे माझी ही मोटो ब्लॉगिंग करण्याची, ही सीट उघडत नव्हती आणि खूप 2-3 तासाच्या प्रयत्नानंतर काय आलं की फक्त हे असं करायचं, ही सीट उघडली, रब्बीसन सीट उघडली, थोडा थोडा पाऊस पडायला लागला आहे त्यामुळे आपण पॅन्ट घालणार आहोत, तर पॅन्ट घेतली तर अवघड होईल, आधीच पावसाळ्यात वाळायला घालायचं आहे तो म्हणते आपू पॅन्ट पहन कर। चलो ऑल ओके, अभी चलते हैं बावड़ा में, ये जाता है, ये रोड जाता है बावड़ा में, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, एक हाथ से मोबाइल एक हाथ से ब्लॉगिंग, भाई अवगड़े गड्डी स्टार्ट, तो चलो चलते हैं। ये मेरे को धोखादायक लग रहा है मोटो ब्लॉगिंग, चलो भाई चलो। तो चलो गाइस अपन निकल पड़े हैं अभी बावड़ा के लिए,
चार्जेस सब सब हेंडी पडणार होतो मोटो ब्लॉगिंग आल्यास ती कळायची तर कहने का मेरा यही क्या हो कहने का मेरा यही दृष्टिकोण है कि अभी अभी जो अपने यूट्यूबर है वो अपने मतलब मोटो व्लॉगिंग में आ रहे हैं उनको मेरा एक संदेश है कि भाई अगर आपके पास GoPro हो तो भी तो ही आप मोटो व्लॉगिंग कीजिए, नहीं तो मोटो व्लॉगिंग के क्षेत्र में आप करियर अपना धोखे में आ सकता है। क्योंकि एक ऐसा है ना मोटो व्लॉगिंग के खास में अपन क्या करेंगे, एक हाथ से मोबाइल और एक हाथ से गड्डी चलाएंगे अपनी तरह, और क्या करेंगे दोनों हाथ खो बैठेंगे तो फिर कैसे करेंगे अपन। मेरा संदेश है सब अभी जो YouTube में आ रहे हैं नए नए बंदे मोटो व्लॉगर बनना चाहते हैं, तो मेरा एक ही संदेश है कि आपके पास GoPro है तो ही आप मोटो व्लॉगिंग के करियर में घुसिए, मैं तो नहीं आना। क्योंकि कैसा है ना, वो आपके पास GoPro है तो ही आप अच्छा एक मोटो व्लॉग या वीडियो कर सकते हैं, नहीं तो अपन जैसा आप एक हाथ से व्लॉगिंग और एक हाथ से जब गाड़ी चलाएंगे तो आपका करियर धोखे में आ सकता है। ऐसा मेरा एक 10-15 मिनट का एक्सपीरियंस मैं आपको ये बता रहा। तो अभी अपन दोनों हाथ से चलाते हैं अपन गाड़ी, नहीं तो मैं मिलूँगा आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल में। ओके तो भाई आपको मिलते हैं मेडिकल। गाइस ये था मेडिकल, मऊली लक्ष्मी मेडिकल, इधर वो पार्सल दिया और अपन जा रहे फिर से अपनी गली में 11वीं गली में। फिर अपन निकल गए अभी फिर से अपने रोड पर, और इस रोड से जाते वक्त ना यहाँ पे एक कॉलेज लगता है संजय घोड़ावत है ना, कौन सा एक मेरा ये कॉलेज है, वो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट डी वाई पटेल कॉलेज। बाय 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 बाय। ये कॉलेज देखकर मेरे को मेरे अपने कॉलेज की यादें ताज़ा हो गई। मेरा भी सपना था कि एक दिन मतलब एक दिन तो मैं इस डी वाई पटेल कॉलेज में मतलब क्या पढ़ूंगा, लेकिन वो सपना ही रह गया है। और वो कैसा है ना, मतलब मेरा अपना पढ़ाई में इतना ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं है अभी साइंस के बाद, अभी मैं बी कॉम में डाल रहा, लेकिन कैसा हुआ ना मेरा एक साल भाई अपना इसमें चला गया, मतलब वो एकेडमी में था आर्मी के नाम था तो उसमें पूरा चला गया। तो मतलब कैसा इंस्टा पर देखता था ना लोगों को डी वाई पटेल कॉलेज अपना संजय घोड़ावत यूनिवर्सिटी, तो भाई मेरा अपना भी मन कर रहा था, अपन भी मिडिल क्लास लोग है भाई, अपना भी मन करता है कि अपन भी एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हो, एक ऐसे यूनिवर्सिटी में हो भाई, लड़कियाँ बिठाए पटाए। मेन पर्पज़ था कि लड़कियाँ, मेन पर्पज़ लड़कियाँ ही होता है लोगों का मतलब इतने इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाने का, लेकिन अपना वो मन मतलब अपना वो नहीं हुआ, अपना टाइम नहीं आया। लेकिन कैसा है ना, अभी मन की बात आ रही है, मन की बात आख्या के साथ ऐसा हो रहा जी अपना, तो अपन कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने मोटो ब्लॉगिंग पे। तो किस किस का सपना था या किस किस को आना था इस अपने संजय घोड़ावत यूनिवर्सिटी या अपना डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी में, एक कमेंट करके बताइए भाई। सिर्फ आना था ये सब ऐसा बताइए, क्योंकि अपना इसमें एगो बेगो का कुछ इशू नहीं है। किस किस को आना था, मतलब आना था और आना नहीं था वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, ऐसा कोई अपना प्रॉब्लम नहीं मेरा भाई। ब्लॉग होता है यहाँ पे एंड, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए मोटो ब्लॉग में, तब तक हमें रजा दीजिए, बाय।